जय श्री कृष्णा। सो आई एम हियर बैक विद माय पार्ट टू गणपति बप्पा व्लॉग। सो यहाँ पर हमारी विसर्जन की तैयारी स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले हमने सूजी के हलवे को बनाने के लिए हमने न्यू रेसिपी फॉलो कर रहे हैं हम, तो हमने सूजी को थोड़ी देर के लिए दूध में भिगो के रखा है। जो उबला हुआ दूध होता है हमारा, उसको उसमें हमें ठंडे दूध में हमारी सूजी को थोड़ी देर भिगो के रखा है। इससे अच्छा थोड़ा फूला हुआ और अलग स्वाद का हलवा बनेगा। तो उसके बाद में एक तरफ हमने क्या करा है, शक्कर का पानी है उसमें थोड़ी सी केसर और थोड़ी सी इलायची, आप अपने स्वाद अनुसार इलायची ले सकते हो। उसके जो सीड्स होते हैं उनको क्रश करके और पानी अच्छे से उकाल सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और जब पानी अच्छे से उकल जाएगा उसके बाद हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। आफ्टर दैट बस इसके साइड में मैंने बनाई थी आलू की दही वाली सब्जी। और इसके बाद मैंने अच्छे से सूजी को सेकना स्टार्ट कर दिया था घी के अंदर। तो जैसे आप देख सकते हैं सूजी सिक रही है। और जब सूजी थोड़ी सी सुनहरी सी हो जाए और आपको पता पड़ ही जाता है कि सूजी कब सिकने वाली है, कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसके बाद में उसमें हम धीरे धीरे जो शक्कर वाला पानी है वो डाल देंगे। एक तरह की सब्जी बन गई है। सिर्फ इसको कसूरी मेथी आपने डाली और इसका तो पता नहीं राम मालिक है। एंड यू कैन सी हलवा कितना सुंदर लग रहा है। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स इस पर डाल दिए थे और हल्का का घी भी छूटने लगा है। इसका मतलब है कि मेरा हलवा अच्छा से रेडी हो गया। और मैं आपको बता नहीं सकती इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना इस हलवे में से, मतलब जितना हमने सोचा था जो रेसिपी फॉलो की थी उसके अकॉर्डिंग ही हमारा हलवा बना है। होप सो पप्पा को भी अच्छा लगे। सुन पावलानी आले बापा, शिदूर मस्त की लावून टिया। सुन पावलानी आले बापा, शिदूर मस्त की लावून।
गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। अगले बरस तू गणपति बप्पा। स्थापना का व्लॉग देखा है, होप यू लाइक दैट वीडियो। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, मेरा ये लुक अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय करो।